जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजय पथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर। आज हमारी थर्ड क्लास रहेगी जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। हिमाचल पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। डेली टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो यही एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसी के रिगार्डिंग हमने ये सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है जनरल साइंस की। और अब जो है आपका एग्ज़ाम ज़्यादा चांस है कि HPSSC जो है वो करवाएगा। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम HPSSC के थ्रू जो है वो करवाया जाना है। तो ज़्यादातर उसमें यही रहता है कि उसमें 200 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या HPSSC उस एग्ज़ाम को करवाता है या फिर खुद हिमाचल पुलिस ही उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जनरल साइंस की क्लास 3 रहने वाली है ये। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम ईजिली नाइफ के थ्रू, चाकू के थ्रू ईजिली काट सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक सा ये क्वेश्चन है साइंस का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके पास सोडियम। ऑप्शन ए में जो है वो सोडियम है। सोडियम को इजीली हम जो है वो चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को जो है वो प्रिजर्व रखने के लिए इसको मिट्टी के तेल में, या फिर आप बोल सकते हो कैरोसिन ऑयल में जो है वो इसे रखा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कैरोसिन ऑयल में जो है वो इसे हम प्रिजर्व में रखते हैं, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने से ये जो है जल्दी ही आग पकड़ लेता है। और आयरन की अगर बात करें, आयरन जो है उसका सिंबल होता है Fe। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा ये, क्योंकि इसके ऊपर रस्ट लगता है और इसके ऊपर जो है वो ऑक्साइड की लेयर जो है वो बन जाती है। अगर मैं बात करूं ऐसे कौन सी मेटल है जिसके ऊपर रस्ट नहीं लगता है, तो वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। क्योंकि रस्ट लगने का मतलब है उस मेटल के ऊपर जो है वो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर पहले से ही ऑक्साइड की लेयर बनी होती है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी रस्ट नहीं लगता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सिल्वर, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है, जिस भी लैंग्वेज में आपको इजी लगे आप उसके थ्रू यहाँ पे अपना आंसर बता सकते हैं। तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है, गुड कंडक्टर है, वो है हमारे पास सिल्वर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिल्वर का सिंबल क्या होता है, मतलब कि जब हम इसको एज अ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में रीड करते हैं तो इसका सिंबल क्या दिया जाता है। जल्दी से आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, अब इसमें क्या चीज़ होती है, क्षार है, अम्ल है, उदासीन है, या फिर ये सभी हैं। तो आपको ये बताना है कि सोडा वाटर में जब हम नींबू डालते हैं तो उसमें से जो बुलबुले निकलते हैं तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसके थ्रू वो बुलबुले निकलते हैं। क्या वो हमारा बेस है, क्या वो हमारा एसिड है, क्या वो हमारा न्यूट्रल है, या फिर वो इन सभी में से है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है क्षार, यानी कि वो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एल्कली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास बेस, यहाँ पे है बेस। तो वो क्या है, बेस है। और सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, तो वो है हमारे पास CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। लेकिन अगर इस CO2 के पीछे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दूँ सॉलिड, तो उस चीज़ को बोला जाता है ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है वो इस चीज़ को बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है। आपको पता है कि जब भी हम किसी सेब को खाते हैं और कुछ टाइम तक अगर उसको हम नहीं खाएं तो उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू वो भूरा हो जाता है, तो वायु से कौन सी वो क्रिया करता है जिसके थ्रू उसका रंग जो है वो ब्राउनिश कलर का होता है। तो क्या ऐसी चीज़ है, तो उसमें पाया जाता है आयरन।
और उसकी वजह से जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, जिसकी वजह से उसमें आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। अगर मैं बात करूं सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, एप्पल में, तो मैलिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ये चली है और काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस यहाँ पे निकलती है। आप साथ साथ में इसके जो नोट्स हैं वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, या फिर जो आपके यहाँ पे सामने नंबर फ्लैश हो रहा है इसके ऊपर आप मैसेज करके इस क्लास की पीडीएफ जो है वो मंगवा सकते हैं। और चूने के पानी की बात करते हैं तो इसमें जो है वो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास CO2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन जो है इसमें ऑप्शन सी दिया गया है। यहां से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं। आइसोटोप का मतलब होता है किस इसके जो है वो कितने भाई बहन हैं, कितने इसके अपरूप हैं। तो ये हम इसके तीन आइसोटोप चलते हैं। सबसे पहला है 1H1, उसके बाद है 1H2, उसके बाद है 1H3। ये तीन इसके आइसोटोप चलते हैं। आइसोटोप में क्या होता है, सेम आपका एटॉमिक नंबर रहेगा और आपका डिफरेंट जो है वो आपका मास नंबर रहेगा। ये आइसोटोप की प्रॉपर्टी है। अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो हम मैं बोल सकता हूं कि सेम ही क्या है, उसका एलिमेंट भी सेम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। काफी अलग सा क्वेश्चन इसमें डाला गया है। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वे लाल हो जाती है। मेहंदी आपने लगाई होगी, ग्रीन कलर की वो मेहंदी होती है और जब उसको हम हाथ में लगाते हैं तो उसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है उसमें जिसके थ्रू उसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो इसमें जो है वो लासोन नाम का एक जो है वो सब्सटेंस पाया जाता है जिसके थ्रू उसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है उसमें क्या चीज होती है। ऑक्सीजन उसमें जुड़ती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन हटती है, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास ऑक्सीजन जो है वो आपके पास जुड़ेगी, ऑक्सीजन आपके पास जुड़ेगी वो आपके यहाँ पे आएगी और हाइड्रोजन जो है उसका क्या होता है, लॉस होता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें या फिर ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नीला लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, मतलब ब्लू लिटमस जो है पेपर वो किस में इसको चेंज करता है। तो ब्लू का कलर जो है वो हमारा हो जाता है रेड और रेड का कलर जो है वो हो जाता है ब्लू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीला लिटमस जो है जब अगर मैं उसके ऊपर एसिड फेंकता हूं तो उसकी वजह से जो ब्लू कलर है वो किस में टर्न हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन जब मैं बेस का यूज करता हूं तो रेड लिटमस पेपर जो है वो हमारा चेंज हो जाता है ब्लू में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो हमारा बेस है या एल्कली है यहाँ पे बोला गया है वो जो है वो लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज करेगा, तो वो आपका चेंज कर देगा लाल को नीले में। लाल को वो किस में चेंज कर देगा, नीले में चेंज कर देगा। इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी मैं बात करूं तो एसिड और बेस जो है वो मेनली पीएच स्केल से समझे जाते हैं। 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल होती है, बीच में मिडल नंबर है 7 को हम न्यूट्रल बोलते हैं। ये एरिया हमारा एसिड का रहता है, ये वाला एरिया हमारा बेस का रहता है, ये एरिया हमारा किसका रहता है, बेस का। ये एसिड का है हमारे पास और ये दूसरी तरफ वाला जो है वो बेस का है। यहां पे
जीरो से सेवन तक जितने भी पीएच आते हैं वो सारे एसिड हैं, सेवन से फोर्टीन तक जितने भी आते हैं वो सारे बेस हैं, और सेवन जो है उसमें दो चीजें ज्यादातर प्रेफर की जाती हैं एज ए न्यूट्रल, वो है आपके पास एक पानी और दूसरे नंबर पे है सोल्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, कटे हुए सेब का भूरे होने का कारण क्या है। तो पहले मैंने इसको डिस्कस कर दिया है, तो भूरा सेब कब हो जाता है क्योंकि उसमें किस उसमें क्या चीज होती है, उसमें जो है वो आयरन होता है, उसमें लोहे के कारण जो है वो कटा हुआ सेब जो है वो भूरा हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, उस वजह से इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।